हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप का बेनामी पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय के ही एक कर्मचारी ने ये पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, जिसमें करोड़ों के पैसे के लेन देन के आरोप लगाए हैं और इसकी जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसियों से करवाने की मांग की गई है। वहीं इसको लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है और मुख्यमंत्री से इस मामले की जाँच करवाने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री से इस मामले में छानबीन कर हकीकत प्रदेश की जनता के समक्ष रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित अधिकारी पर आरोप लगे हैं और इसको लेकर लिखित रूप से एक पत्र भी काफी वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि पत्र किसने लिखा है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह विषय जांच का बनता है और मुख्यमंत्री जांच करे और लोगों के बीच स्पष्ट करे कि यह की क्या तथ्य है। आपको बता दें, सचिवालय में सीएम कार्यालय के अधिकारी पर पैसे के लेन देन को लेकर एक पत्र इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें गंभीर आरोप लगे हैं और पावर प्रोजेक्ट में पैसे के लेन देन के अलावा अन्य मामलों में भी अधिकारी पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। शिमला में मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही है और अब तो लिखित रूप से कथित एक पत्र वायरल हुआ है जिसकी सब तक चर्चा हो रही है। हालांकि उसमें किसने पत्र लिखा है इसकी जानकारी नहीं है, अननोन है उस सारे में। फिर भी एक विषय बनता है कि जो चर्चा का विषय बना है उस पर मुख्यमंत्री इंक्वायरी करे, जांच करे, तथ्य को जो हैं उनके बारे में लोगों के बीच में स्पष्ट करें कि फैक्ट्स क्या है। कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं मुख्यमंत्री कार्यालय में पिछले कुछ अरसे से इस कदर बढ़ती हुआ और जिसके कारण सारी सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ है और सरकार पर बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है उंगली खड़ी हुई है लोगों की ओर से। और मुख्यमंत्री से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि वो तुरंत सारे मामले की छानबीन करें और छानबीन करने के बाद जो सारी चीजें जो तथ्य के रूप में हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों को बताएं। तो ऐसा आज से पहले भी हमने इस बात को देखा कि इस तरह के पत्र चलते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच उसमें जो है वो जो जरूरी है वो होनी चाहिए ताकि लोगों को स्पष्ट मालूम पड़ पाए कि